फैक्ट नंबर एक, अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी FBI एलोन मस्क के पीछे पड़ गई है, क्योंकि उनके पास अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से जुड़े हुए कुछ ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं जो अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के काले चिट्ठे भी खोल सकते हैं। दरअसल ये पूरा माजरा रशिया यूक्रेन युद्ध से पहले का है, जब जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन के लैपटॉप से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए थे जिसमें यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हंटर बाइडेन को रिश्वत देने तक की जानकारी थी। हालांकि उस समय ये डॉक्यूमेंट्स ट्विटर की लीगल हेड विजया गड्डे के हाथ में लग गए थे, तो इनका पर्दाफाश नहीं हो पाया क्योंकि विजया गड्डे हमेशा से ही जो बाइडेन की पार्टी को सपोर्ट करती आई हैं। लेकिन जब एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा तो ये सारी सीक्रेट फाइल्स का एक्सेस एलोन मस्क के पास आ गया। फैक्ट नंबर दो, टेक्नोलॉजी की दुनिया में जब से माइक्रोसॉफ्ट के चैट GPT की एंट्री हुई है तब से लोग सिर्फ एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि भैया गूगल तो गियो, लेकिन शायद वो लोग ये भूल गए कि जिस गूगल ने सालों टेक इंडस्ट्री पे राज किया है वो भला ऐसे कैसे हार मान जाएगा। जी हाँ गाइस, गूगल ने चैट GPT के सामने अपना ब्रह्मास्त्र उतार दिया है जिसका नाम है बार्ड। बार्ड चैट GPT की तरह एक AI टेक्नोलॉजी पर काम करता है। आसान भाषा में समझे तो जिस तरह चैट GPT हर सवाल का जवाब डायरेक्टली लिखकर बता देता है उसी तरह बार्ड भी आपके हर सवाल का जवाब डायरेक्टली दे देता है। यही नहीं, गूगल बार्ड की खास बात यह भी है कि जहां चैट GPT आपको सिर्फ 2021 तक का डेटा दे पाता है वहीं बार्ड आपको इंटरनेट की मदद से करंट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता है। यानी कि गूगल का यह ब्रह्मास्त्र कई मायनों में चैट GPT से आगे है।